मिश्रा जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम के ऊपर ये बढ़ता जाएगा या कम होगा? डॉक्टर साहब देखिए, चूंकि रोग ये बहुत पुराना है और बहुत बुरी तरीके से पूरे देश में फैला है, आपने बोला है, हो सकता है हजारों मंदिर हो जिसके ऊपर मस्जिद बने हुए हो, तो ठीक है उस वक्त गलती हुई। पूरे दुनिया में लोग अपने घर के सामने कार नहीं पार्क करने देते हैं। अब चलिए मैं इंडिया की बात करता हूं, दिल्ली उल्ली में आके किसी के घर के सामने आप कार पार्क कर दीजिए, किसी दुकानदार के सामने आप बाइक पार्क कर दीजिए, और एक आदमी कभी भी आकर के अगर वो ताकतवर था, उसने एक नहीं हजारों मंदिरों को जो है मस्जिद में तब्दील किया, तो उसका फैसला तो होना चाहिए भाई, गलती जब सुधारिए तब सुधारिए। 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, आराम से बैठ के। ठीक है, जो मेन मेन बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है, वो राष्ट्रीय मुद्दे बन रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों गांवों में जो है वो वहां मोहल्ले के हिंदू और मुसलमान बैठ करके डिसाइड कर ले। देखिए पता सबको है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा शिवलिंग वहां पे पड़ा है, मुसलमान लोगों को ऐसा नहीं है कि पता नहीं था कि वो क्या है और किस चीज से वो रिलेटेड है। क्यों किसी मुसलमान ने ये हिम्मत और ईमान नहीं दिखाई कि एक बार किसी हिंदू भाई को बुलाते, बोलते भाई मुझे लग रहा है ये आपके धर्म से रिलेटेड है, आप चेक करिए। अगर इस तरह से किया जाए तो सारे प्रॉब्लम साल, 2 साल, 5 साल में सॉल्व हो जाए। अब तनके अगर हम बैठे हुए हैं कि नहीं जी हम तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने प्लास्टर करवा दिया तो अब ये हमारा हो गया, तो बात अगर न्याय की करें, जहां आदमी एक गाड़ी अपने घर के सामने पार्क नहीं करने दे रहा है तो वहां पे तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और इतना पुराना नासूर है तो उसको ठीक तो करना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए कितनी लड़ाइयां होती रही, कितने तरीके के दंगे फसाद होते रहे। सवाल ये है टाइम कितना भी लगे लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए, ताकि पीछे जो हो गया वो हो गया लेकिन आगे पीसफुल इन्वायरमेंट रहे। हमें हजारों साल तक केवल इसी चीज पे नहीं लड़ना है, एक बार की कर करा करके प्रोग्रेस के जो रास्ते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग उस पे जो है चले, चैलेंजेस बहुत हैं, तो जितने भी ये हैं जो भी इंपॉर्टेंट है उन सॉल्यूशंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। और कोर्ट भी बहुत तेजी से काम कर रही है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हो सकता है कुछ टाइम में माहौल ऐसा बन जाए, इतना पॉजिटिव बन जाए कि मुसलमान लोग खुद आकर के बोले कि भाई देखो हम इसको खाली कर रहे हैं, हम इवैक्यूएट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये गलत जगह पे मस्जिद बनी हुई है, हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। जगह की कमी थोड़ी है, जहां 6.5 लाख मस्जिद है इंडिया में, इतने मस्जिद है कि दुनिया में इतने मस्जिद तो कहीं है नहीं, और जगह की कमी थोड़ी थी शाहजहां और औरंगजेब को जगह की कमी थी क्या कि मंदिर के जी जगह नहीं है इंडिया में इसलिए हम मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनवाएंगे, ये कौन सा। उसको मस्जिद बनवाना था तो जावा मस्जिद का 10 गुना बड़ा मस्जिद वो बनवाता, जमीन खाली पड़ी थी। ताजमहल अगर उसने बनवाया 50 जगह जमीन खाली पड़ी थी। अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, वो चाहे एक हो, चाहे 1000 मंदिरों के साथ हुआ हो, चाहे लाखों मंदिरों के साथ हुआ हो, न्याय ये बोलता है। डॉक्टर साहब आपने जिस प्रॉब्लम की तरफ, सोशल प्रॉब्लम की तरफ 2050 में आप इशारा कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। और रही बात शबनम मैम जो बोल रही थी, भाई ठीक है अब हम प्रेम से प्यार से रहते हैं, सामाजिक ताना बाना अच्छा बना हुआ है, लेकिन वही ये दिखता है कि आप कहीं पे भी मुसलमान है वो आपस में प्यार से नहीं रहते हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए, अरब देशों में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, हर जगह यहाँ पे भी देख लीजिए वो आपस में भी लड़ते रहते हैं। आपका प्रॉब्लम आपने जो बोला है मैं उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक करता हूँ। रही बात 2 बच्चों वाला कानून, NRC वगैरह जो आ रहे हैं, ये सब इसके सलूशन है। जो आपने बोला ये नहीं होगा, इसके पहले भी धारा 370 के बारे में मैं खुद ये सोचता था ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे मुझे लगती थी कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पॉसिबल होने के बाद मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट में देर से करे, सवेर से करे, कैसे भी करे, ये डेफिनेटली इस चीज को लाएंगे। दिस इज वन, एक तो लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि अगर लॉ बनेगा तो आपको बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, जो सोशल प्रेशर होगा, इकोनॉमिक प्रेशर होगा, एजुकेशन मुसलमानों में भी बढ़ेगी, अगर बढ़े तो बहुत अच्छी चीज है, हो सकता है उनको भी समझ में आए कि हमारे रिसोर्सेस क्या है और फैमिली प्लानिंग क्या है। लेकिन मैं इतना तो मुझे, मैं पॉजिटिव साइड में हूं कि ऐसा कोई बहुत असंभव काम इस गवर्नमेंट में नहीं लगता है कि 2 बच्चों वाला रूल न लाए, भले ही हिंदू कुछ बोले, सिख कुछ बोले, मुसलमान कुछ बोले, गवर्नमेंट एक बहुत लॉन्ग टर्म योजना, किसी भी देश की गवर्नमेंट 2050 और 100 साल का सोच के चलती है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी उनके पूरी, उनके पास डाटा रहता है, डाटा साइंस रहता है, उस बेस पे वो काम करते हैं, अगर उनको लगता है लाना है तो वो ले आएंगे।
वो भी लाइन में है, लाइन में है। डॉक्टर साहब 70 साल तक तो चर्चा भी नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ठीक है मैं बोलता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं है आया, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उस तरह की प्रैक्टिसेस शुरू हो गई है। आप, मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आप मत लाइए, लेकिन जो अभी तक लॉ बने हैं इंडिया में उसी को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना। किस चीज का लॉ नहीं बना है डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, हर चीज का लॉ बना है, सवाल होता है इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंटेशन को लेकर के भी गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है डॉक्टर साहब, स्टेट लेवल पे भी किसी की भी सरकार हो चेंज आ रहा है। गवर्नमेंट प्रॉब्लम को अब लिंगर ऑन नहीं कर रही है, ठीक है लिंगर ऑन करती है लेकिन उतना नहीं कि 20 साल 25 साल 70 साल तक लिंगर ऑन करते रहो, किसी न किसी पॉइंट पे जल्दी से वो सोल्यूशन निकाल रही है।